बिना वेरीफाई किए हुए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर इस राज्य का विधानसभा में कुछ भी बोल देना और टेबल उठा उठा करके पटकना बहुत। मजदूर आ रहे हैं उससे बुला करके और जानकारी सच्चाई की लीजिए, हमारे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग भी है, और जो आप लेकर के हाथ में बैठे हैं पहले उसका भी जांच करा लीजिए, क्योंकि इससे पहले दो खबरें जो आप गंभीरता का सवाल लेकर के हाउस में आए दोनों नकली निकले और फर्जी निकले। भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? अच्छा पहले आप पूरा वीडियो चल रहा है, कल हमको डायरेक्ट हमसे बात किया है महोदय, और सारा इसका एक विशेष टीम गठित करके भेजे और जांच करा दे। इतना संवेदनहीनता उचित नहीं है सरकार। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय आप उसको सरकार को दे। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष कल से ही व्याकुल है इस इशू को लेकर के, आप शांति बनाए रखे, सुने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। अरे बस सुन तो लो, अरे आप स्थान तो ग्रहण कीजिए। नहीं आप ही सुनाइएगा, सरकार का नहीं सुनिएगा। अन पार्लियामेंट्री है क्या? सुनने अन पार्लियामेंट्री है क्या? उनका भी सुन। अरे हम तो सुन तो लो, आप दे दीजिए। आप काहेला नाम मेरा बोल रहे थे जब सुनना ही नहीं है तो? अरे आप बोल रहे थे ना हम बोले सरकार तो सुन तो लो, बैठाओ के लिए ही ना तो बात आप कह रहे हैं तो कह रहे हैं सरकार, आप सुनिए उप मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय एक कल का हमने दृश्य भी देखा विधानसभा में, जो दो वीडियो के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है, दो वीडियो जो चलाया गया है, कल इन लोगों ने हंगामा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लेते हुए अपने अधिकारियों को वहां के अधिकारियों से इस मामले की सत्यता को देखते हुए सत्य जानने के लिए अधिकारियों ने संपर्क किया, और वहां के तमिलनाडु के जो डीजीपी हैं, पहले हम उनका बयान जो है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में एक वीडियो रिलीज किया था उसका अनुवाद हम करवा करके लाए हैं हिंदी में, पहले एक बार बयान सुन लीजिए। श्री शैलेंद्र बाबू डीजीपी तमिलनाडु का बयान, मैं शैलेंद्र बाबू पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल तमिलनाडु का प्रमुख बोल रहा हूं। बिहार में किसी ने ये कहते हुए एक झूठा और शरारती वीडियो पोस्ट किया है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया गया है। दो वीडियो पोस्ट किए गए, जिस वीडियो का शायद हो सकता आप जिक्र कर रहे हो, दोनों वीडियो झूठे हैं। ये दोनों घटनाएं काफी पहले त्रिपुर और कोयम्बटूर जिलों में हुई थी, और दोनों ही मामले में वे तमिलनाडु के लोगों और प्रवासी श्रमिकों के बीच संघर्ष नहीं है। एक वीडियो जहां बिहार और झारखंड के मजदूर आपस में लड़ रहे हैं, दूसरा जो वीडियो है वहां कोयम्बटूर का, वो स्थानीय निवासी केवल लोकल तमिल लोग आपस में लड़ रहे हैं। यह एक तथ्य है कि तथ्यों को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है ताकि ऐसा लगे कि तमिलनाडु में बिहारी के प्रवासी श्रमिक पर हमला किया गया है। तो महोदय ये डीजीपी का बयान है, और जाहिर सी बात है कि इस गंभीरता को देखते हुए ही डीजीपी ने अपना वीडियो रिलीज किया है और सत्यता जो है की गई है, लेकिन अलग से अगर कोई और इंफॉर्मेशन है तो आप दीजिएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम पहली बार नहीं, कई बार हमने पहले भी कहा कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना है और नकारात्मक राज्य, सुन लीजिए ना, आप बोलिएगा ना भाई, बैठिए ना, केवल नकारात्मक राजनीति करना। बोलेंगे भारत माता की जय, लेकिन जरा पूछो तमिलनाडु भारत का ही अंग है क्या? तमिलनाडु भारत का ही अंग है ना। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं?
ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात कि अगर कोई ऐसी घटना होगी तो ना यहाँ की सरकार ना वहां की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। अगर ऐसी कोई बात अगर हुई भी होगी तो सरकार जो है उन दोषियों को बख्शने का काम बिल्कुल नहीं करेगी। मौत महोदय, अध्यक्ष की भूमिका निरपेक्ष होनी चाहिए। बोलिए, बिल्कुल निष्पक्षता है। आज के अखबार में जमुई मुंगेर के मजदूरों की घटना के बाद शांति बनाने आपस आने की सूचना मिली है। महोदय, जमुई मुंगेर के मजदूर आ रहे हैं, उससे बुला करके और जानकारी सच्चाई की लीजिए। हमारे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग भी है। महोदय, ये जो बोले कि झूठ है, फरेब है, मैं खुला चुनौती देता हूँ, एक टीम भेजिए और अगर जो झूठ होगा तो इसी सदन में हम लोग माफी मांगेंगे, नहीं तो आपको माफी मांगना होगा। चार्टर्ड प्लेन से केक काटने जाते हैं आप, चार्टर्ड प्लेन से केक काटने जाते हैं और बिहार के मजदूरों की अडानी जी का प्लेन में नहीं बैठे हैं। बिहार के जनता अडानी जी का प्लेन में नहीं बैठे हैं। कहां से अडानी जी का प्लेन में नहीं बैठे? कहां से प्लेन आता है? माने माल आता है? आपके तरह अडानी जी का प्लेन में नहीं बैठे माननीय मजदूरों की जिंदगी से ज्यादा मां। महोदय, कमेटी आप जो कमेटी गठित हो, स्पेशल कमेटी जिंदगी बचाने के लिए भेजिए। आपके पास है पटल चुनौती है, डीजीपी का बयान गलत है। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे लेकिन हम बोलेंगे कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, संवैधानिक पद पर हैं और जो आप लेकर के हाथ में बैठे हैं पहले उसका भी जांच करा लीजिए, क्योंकि इससे पहले दो खबरें जो आप गंभीरता का सवाल लेकर के हाउस में आए दोनों नकली निकले और फर्जी निकले। तो इसलिए आगे कोई बात अगर करिए तो इस चीज को देख लीजिए। अच्छा, उसमें वो जो वीडियो दिखाइएगा, सुन लीजिए नेता प्रतिपक्ष जो वीडियो दिखाएगा उसमें कोयम्बटूर लिखा है या कोई जगह का नाम लिखा है या बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वो लोग कौन है, कैसे पता कीजिएगा? वो तो वहां की पुलिस ही जो है बताएगी। और अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है, सुन लो यार, अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए। राजगृह मंत्री भी बिहार के, उनसे जरा पूछ लो। एक मिनट, बात आप लोग बिना जानकारी के अभाव में कहते हैं तो बिना सत्यता का वेरीफाई किए हुए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर इस राज्य का विधानसभा में कुछ भी बोल देना और टेबल उठा उठा करके पटकना। महोदय,